सामने आया है और 440 वोल्ट का झटका लगा है। कृषि मंत्री कमल पटेल फेल हो गए हैं। जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कृषि मंत्री कमल पटेल को फेल कर दिया है। कांग्रेस के राम किशोर दोगने पास हो गए हैं। बेहद जाना माना चेहरा, किसानों की बात करने वाले कमल पटेल हार का चेहरा देखेंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। कमल पटेल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की लाइन में खड़े हुए थे, चेहरा माने जा रहे थे। ओबीसी ने कहा है, उनको कहा जा रहा था कि हो सकता है भविष्य में बीजेपी पार्टी की ओर से वो कभी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ कमल पटेल को हार मिली है, शिकस्त मिली है। जनता के रिपोर्ट कार्ड में वो फेल हो गए हैं। राम किशोर दोगने कांग्रेस प्रत्याशी फिलहाल जनता के रिपोर्ट कार्ड में पास हुए हैं। अदीप जी, हाँ, कमल पटेल के नाम में तो कमल आता है, पर वो हरदा में कमल नहीं खिला पाए। बड़ा झटका लगा चुनाव प्रचार के दौरान। ट्रैक्टर लेकर निकल जाते थे कमल पटेल प्रचार के लिए, पर अपनी जीत की गाड़ी को मंजिल के पार नहीं लगा पाए और केवल वो हार का सामना नहीं कर रहे, बल्कि ये हार उनको बहुत चुभने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उनकी हार कहीं ना कहीं पूरे संगठन को, पूरे नेताओं को बहुत बड़ा झटका देने वाली है। बार बार बात आ रही थी कि बीजेपी के कई ऐसे नेता इस बार चुनाव में हार का सामना करेंगे जो फिलहाल मंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और ये बात बेईमानी नहीं निकली। कहीं ना कहीं कमल पटेल, नरोत्तम मिश्रा और अरविंद गौड़ा, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नामों के आगे जब हार लिखी जा रही है तो वो झटका तो बीजेपी को दे रही है। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की बढ़त है वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा छू चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मंत्रियों का हारना एक बहुत बड़ा झटका दे रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि कमल पटेल को 85,579 वोट मिले हैं और वो जनता के रिपोर्ट कार्ड में फेल हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राम किशोर दोगने 85,799 वोट पाकर जीत दर्ज करा चुके हैं, कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में पास हुए हैं। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए जनता का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, किसके सर पर होगा ताज, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जुड़े रहिए दखल न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।